अब्दुल्ला शरीफ है, मैं शिवाजी नगर से सोशल वर्कर हूँ। और हम ये राशन बांटने का काम जो कर रहे हैं, ये लॉकडाउन जब से शुरू हुआ तब से हमारा काम चालू है। हम ये सोशल वर्क कर रहे हैं, दिस इज ओनली फॉर अ नोबल कॉज। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि हमारी मार्केटिंग हो, हम फोटो में आए और हम जो दिखावे के लिए करना है, ऐसा कोई हमारा मकसद नहीं है। हम सिर्फ ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए ये काम कर रहे हैं। माशाल्लाह हमारी टीम, मनीष अली खान एडवोकेट साहब की टीम है, हम सब लोग साथ में मिलकर सब काम कर रहे हैं। ये जो काम चल रहा है ये बहुत दिनों से चल रहा है, आज तक हमने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया और कोई फोटो वगैरह डाली नहीं, क्योंकि वो फोटो वगैरह जो गरीब की डालते हैं उनकी बेइज्जती करने से अच्छा है कि उसको छुपाना बेहतर है। किसी गरीब को अपनी जगह पर बुला के उसकी बेइज्जती करवाना हमको अच्छा नहीं लगता। यही सोच लेकर हमने मख्फी में रख के सारा काम किया है, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग हम सबको सपोर्ट करें, अनीस अली खान टीम को सब सपोर्ट करें। इंशाल्लाह आगे चल के भी और हमारे से बहुत सारे काम होने हैं, इंशाल्लाह हमसे उम्मीद रखें। हम आपसे सपोर्ट, जिसको हम दिखाना भी नहीं चाहते थे वो अपना कॉज है। हमारी सारी टीम है, फारूक भाई हैं, मुनीर है, मुजम्मिल है, अनीस भाई है, मुजाहिद है, सादिक है, शफीक हैं, सब लोग सारे साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और हम किसी को दिखाना नहीं चाहते कि हम क्या कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये पॉलिटिकल में आएंगे तो उसको दिखाना ज़रूरी है, ये अपने मकसद के लिए, अपनी वॉलंटियरिंग के लिए और अब नोबल कॉज के लिए हम इसका आपका लास्ट मैसेज। हमारा कुछ नहीं है कि ज़रूरतमंदों की मदद करें, इस वक्त में बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं, बहुत लाचार लोग हैं, बट मजबूर लोग हैं, माइग्रेंट्स हैं जो बाहर से आए हुए हैं, उन लोग भूखे रहे हैं, उनको ढूंढ कर और ज़रूरतमंद को ढूंढ कर उसकी मदद करें। क्योंकि ज़रूरतमंद जो है वो बहुत गैरतमंद आदमी होता है, जो किसी के पास आकर आपको नहीं पूछता है, उसकी ढूंढ कर उसके घर को जाकर उसके अगर मदद करेंगे तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा और सबके लिए अच्छा होगा माशाल्लाह। हमारे इवनिंग बाजार और कमर्शियल स्ट्रीट के एसोसिएशन के सदर शफीक भाई भी हैं और उनका लोगों का बहुत अच्छा डिसीजन है कि दुकानें बंद रखेंगे, ईद तक दुकानें बंद रहेंगी और औरतों को आने से मना किया जाएगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होगी, दुकानों में लोग भरेंगे, अगर बीमारी फैल गई तो सारा टारगेट मुसलमानों पर लगाया जाएगा, क्योंकि ये लोग दुश्मन जप रहे हैं कि कोई हम गलती करे और हमको मौका। दुकानें बंद रहेंगी, कोई शॉपिंग नहीं करेगा, कोई दुकान नहीं खोलेगा, कोई बिजनेस नहीं करेगा। माशाल्लाह इनको इसका अजर अल्लाह ताला इंशाल्लाह आगे चल के देगा। इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है अपने अपने व्यापारों को बनकर, बावजूद सरकार ने कहा कि आप खोल सकते हो, लेकिन इन लोगों ने डिसीजन किया कि खोल कर बदनाम होने से अच्छा है कि घर में बैठेंगे। इंशाल्लाह इस साल ये नहीं कमाएंगे तो अगले साल कमाएंगे, अल्लाह ताला नवाजने वाला है। मैं इन लोगों का बहुत अप्रिसिएशन करता हूँ, बहुत तारीफ करता हूँ, माशाल्लाह इन लोगों को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। नाम मोहम्मद फारूक है, हमें अनीस अली खान की टीम से ही, तो अब जो भी कार्रवाई है, हमारे दोस्त अब बोले हजरत साहब की जो भी हम जो कर रहे हैं एक इंफरादी हिसाब से हमें कर रहे हैं, हमें कोई पॉलिटिकल गिमिक नहीं है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है इसके पीछे। जो कर रहे हैं हमें हमारे दिल के सुकून के वास्ते, हमें हमारे दिल को सुकून होना, हमारी कौम का रंदे या दूसरा कोई बाहर की कौम का रंदे, उनके वास्ते सोशल कॉज के वास्ते कर रही है। और जो भी है मुस्तहिक लोगों तक ये चीज़ें पहुँचना है। अब ऐसा है कि बहुत सारे आदमी आई जो सुबह से लेकर शाम तक ये रेशन का कारोबार बना ली, इधर लियो उधर दियो उधर लियो इधर दियो, तो ये वो चीज़ नहीं है। हम लोग जो है अब बोलेंगे भाई तुम इतना बड़ा ये कर रही तो नंबर्स कहीं कुछ सबके छोटे हैं बोल के, बट हमारा क्या है कि हम लोअर मिडिल क्लास को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसा कुदरत भाई बोले कि भाई उन्हें बहुत शर्मिंदा रहता है कि हमें जाकर फोटो पकड़ को देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो लोअर मिडिल क्लास जो 20-25 हज़ार रुपये माहाना तनख्वाह लेता है, उन्हें कभी आपको हाथ फैलाता नहीं तुम्हारे पास, तो हमें क्या करें, वैसे आदमियों को आइडेंटिफाई करके लिस्ट बना को उनके घर को पहुंचा रहे। वी आर नॉट आस्किंग टू कम टू अस, हमें हमको बोल रही है कि हमारे पास आओ बोलते। रही दूसरी बात, हमें हमारी कौम को ये रिक्वेस्ट करती, आजिजाना गुजारिश करती कौम को कि भाई आज का जो माहौल चल रहा है, जिस तरीके से बहस हो रही है कि भाई ये जो कोरोना वायरस है ये पर्टिकुलर एक सेक्टर से आ रहा है, एक ही एक कम्युनिटी से आ रहा है, तो ये चीज़ों को हमें अवॉइड करने के वास्ते ज्यादा से ज्यादातर हमारी औरतों से गुजारिश है कि बाजारों में ना आए, दूसरों को मौका नहीं दें। जहां देखो अभी शाम के 5:30-6 बजे देखो ऐसी भीड़ रहती है और सामने खड़ने वाले खुद खड़के बोलते। एक इंसिडेंट छोटा ऐसा ही हुआ कि मेरा एक
मेरे साथ काम करने वाला मेरे कोलिग बोलता है, फारूक जी आप देखो कोई सिग्नल में खड़ो, कोई रेलवे फाटक में खड़ के देखो, अतराफ अपनी मुंडी घुमाओ तो आपको 100 आदमी नजर आएंगे, 20 आदमी हमारे रहेंगे तो 80 आदमी आपके टोपी वाले रहेंगे। तो ये चीज का मौका हम लोग खुद दे रहे हैं उनको कि भाई आप आगे आके बोलो बोल के। ये जो बीमारी है ये कोई दिखने वाली बीमारी नहीं है, क्या भाई कहीं से पानी पजर रहा है, पीप के फोड़े आ रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है बोल के, ये 14 दिन के बाद मालूम होने बीमारी है। अब इसमें हम लोग टारगेट बनते जा रहे हैं क्योंकि हम लोग मौका देकर टारगेट बन रहे हैं। इसीलिए हम आजिजाना गुजारिश करते हैं कौम से, मिल्लत से, सबसे गुजारिश करते हैं कि भाई जो भी है ये रमजान हमें नहीं करे तो अगला रमजान और खुशी से मनाएंगे, मगर ये रमजान में